हेलो, ये है एक्टिविटी बेस्ड सम। इस सम में हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या सिमिलैरिटी यूज करना है, क्या थियोरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज करना है, और अगर ये सारी चीजें यूज करनी है तो क्यों यूज करना है, ये समझना जरूरी है। और अगर ये एक सम के फॉर्म में आए, एक्टिविटी के फॉर्म में नहीं आए, तो कैसे सॉल्व करना है ये भी समझना जरूरी है। और ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी। सबसे पहले यहाँ पे पता है हमें फिगर दिया हुआ है, और इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है, इन्फॉर्मेशन में दिया है पी क्यू पैरेलल टू डी। देखिए पी क्यू पैरेलल टू डी ये दिया हुआ है। सो एक ट्राइंगल में एक लाइन एक साइड को पैरेलल है, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एक थियरम आ गया होगा। वेरी गुड, याद रखिए। और दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हमें दिया गया है 20 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, एक ट्राइंगल का एरिया दिया गया है। पी एफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डीपी, पी एफ का लेंथ जो है वो डीपी का ट्वाइस है, ये दिया है। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल डी पी क्यू ई। इस क्वाड्रिलैटरल का हमें एरिया फाइंड करना है। देखिए ये फाइंड करना है, तो अगर आप इस क्वाड्रिलैटरल को देखते हो जो हमें फाइंड करना है, तो क्वाड्रिलैटरल देखिए, आप बोलोगे इस क्वाड्रिलैटरल में डीई और पी क्यू जो है वो पैरेलल है, मतलब बोल रहे हो एक पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल है, पर दूसरा पेयर ऑफ साइड डीपी एंड ईक्यू क्या वो पैरेलल है? नहीं है। दैट मींस हमें पता है ये ट्रपीजियम है, तो बोलोगे वाह ये ट्रपीजियम है तो हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रपीजियम इज हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। बट क्या ये पैरेलल साइड्स के लेंथ दिए गए हैं? नहीं। क्या हमें यहाँ पे इसमें पैरेलल साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया गया है? नहीं। दैट मींस हाइट भी नहीं है। दैट मींस हम एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल, दैट इज एरिया ऑफ ये ट्रपीजियम जो है, हम वो फॉर्मूला से नहीं कर सकते। तो ये चीज समझ गए, तो आप बोलोगे ओके फिर करें कैसे, बट फाइंड तो करना है, तो चलिए इसके बारे में सोचते हैं। बट बिकॉज ये एक्टिविटी फॉर्म में है, कुछ चीजें दी गई हैं, तो हम इस क्वाड्रिलैटरल के एरिया पे आएंगे। बट सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया। स्टार्ट में देखिए लिखा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट्स, ये दिया गया है, हमने वो लिख लिया। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन था, पी एफ इज ट्वाइस ऑफ डीपी दिया है, वो लिखा हुआ है। अब पी एफ जो है वो डीपी का डबल है, मतलब अगर हमें डीपी पता है तो पी एफ का लेंथ मिलेगा। इज दैट क्लियर? ये समझ आ गया? तो आप बोलोगे डीपी का लेंथ तो हमें नहीं पता है, तो इसलिए लिखा है वहां पे लेट डीपी इक्वल टू एक्स यूनिट। तो अगर हम डीपी का जो लेंथ है एक्स यूनिट्स ले लेते हैं, तो मुझे पता ही, अगर ये डीपी एक्स है तो पीएफ क्या होगा? उसका डबल है, ट्वाइस है, मतलब क्या होगा? टू इंटू एक्स। वेरी गुड, तो हम लिखेंगे पीएफ 2x है, देखिए लिखा हुआ है। अब बताइए, तो अगर अगर पीएफ 2x है और अगर डीपी एक्स है, तो क्या हमें और एक सेगमेंट है उसका लेंथ मिल सकता है? तो आप बोलोगे हाँ मिल सकता है। कौन सा? डी एफ का लेंथ मिल सकता है, वो कितना है? एक्स प्लस 2x, और वो कितना है? 3x। वेरी गुड, देखिए वही एक्टिविटी में लिखना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो क्या दिया है? डी एफ, ओके डी एफ इज इक्वल टू डीपी प्लस पी एफ। ओके डीपी प्लस पी एफ, तो पता चल गया ब्लैंक में क्या लिखना है। इज इक्वल टू, वैल्यू लिखिए, डीपी का लेंथ कितना है एक्स, पीएफ का लेंथ कितना है 2x, तो लिखिए वहां पे एक्स प्लस 2x, और वो कितना आ रहा है 3x। सो बिकॉज ये एक्टिविटी फॉर्म में था, तो हम इतना पार्ट तो लिख चुके हैं। तो अभी ये पूछा था, लिखा था, तो हमने लिख दिया। ओके, अब ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करना है। ओके, पहले ये समझते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब ये एक्टिविटी फॉर्म में तो बहुत इजी हो जाता है यहाँ पे ब्लैंक फिल करना, बट अगर ये सम एक्टिविटी फॉर्म में ना आए और एक सम के फॉर्म में आए, तो भी तो आपको सॉल्व करने होना चाहिए। तो वहां पे तो ये हिंट्स नहीं मिलेंगे, हमें खुद सॉल्व करना है, खुद सोचना है, तो चलिए वो सोचते हैं। अब जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि ये जो क्वाड्रिलैटरल है डी पी क्यू ई, इसका एरिया हमें एरिया ऑफ अ ट्रपीजियम के फॉर्मूला से नहीं मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? तो हमें यही सोचना है कि हमने इस चैप्टर में जैसे पढ़ा है, जो चीजें पढ़ी हैं, जो थियरम्स पढ़े हैं, जो प्रॉपर्टीज पढ़े, वो यूज करना है। तो ये डायरेक्टली तो नहीं मिला, तो इसका कैसे मिले? अभी आप देखोगे ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या इस ट्राइंगल का हिस्सा है, बड़े ट्राइंगल का? तो लोगे हाँ, ट्राइंगल डी एफ ई का पार्ट है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ ई फाइंड करें, ओके, मतलब बड़ा एरिया जो है, बड़ा ट्राइंगल जो है उसका एरिया अगर फाइंड करें, ओके, तो क्या हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल सकता है? सोचिए सोचिए सोचिए।
अगर ये बड़े ट्रायंगल का एरिया मिलता है और उसमें से हमें पता है छोटे ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी पता है, हम वो सब ट्रैक कर लेंगे। और क्या हमें ये क्वाड्रिलैटरल जो है उसका एरिया मिल सकता है? हाँ, वेरी गुड। दैट मींस यहाँ पे हमें किसी भी तरीके से बड़े ट्रायंगल का एरिया ढूंढना है। एक ट्रायंगल का एरिया है, हमें दूसरे ट्रायंगल का एरिया ढूंढना है। दैट मींस हम दो ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहे हैं। ओके, अब दो ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो आप लोग कह रहे हैं हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था चैप्टर के स्टार्ट में, चार प्रॉपर्टीज, उसमें एरिया अपॉन एरिया होता है, वहां पे दो ट्राइंगल के एरिया से डील करते हैं। और एक थियरम है जो हमने अभी चैप्टर के एंड में पढ़ा है सिमिलैरिटी के, दैट इज थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। बट वो थियरम तो हम तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर ट्राइंगल सिमिलर हो। तो चेक कीजिए क्या यहाँ पे ये ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, पहले चेक तो कर ले तो हमें पता चल जाएगा क्या हमें प्रॉपर्टी यूज करना है या थ्योरम यूज करना है। तो आप जब ट्राइंगल डीई एफ को देखते हो और पी क्यू एफ को देखते हो, देखे तो क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं? तो बोलोगे हाँ, दोनों में कॉमन एंगल एफ है और हमें पता है ये लाइन पैरेलल है, तो किसी एक को ट्रांसवर्सल, अगर हम ई एफ को ट्रांसवर्सल लेते हैं तो एंगल ई और एंगल क्यू इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर हम डी एफ को ट्रांसवर्सल लेते हैं तो एंगल डी और एंगल पी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग। या तो हम एक कॉमन एंगल और एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कंसीडर करें, या तो दोनों पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कंसीडर करें। मतलब इससे हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि प्रूव कर सकते हैं और वही लिखा हुआ है, अब समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं, तो चलिए लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है इन ट्राइंगल एफ डी ई, मतलब बड़ा ट्राइंगल, एंड जो छोटा ट्राइंगल एफ पी क्यू, इन दोनों में एंगल एफ डी की बात कर रहे हैं, एफ डी ई। ओके, ये एंगल जो है किससे इक्वल होगा? एंगल एफ पी क्यू। क्यों? बिकॉज हमें पता है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। वेरी गुड, दूसरा भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही लिया है, तो यहाँ पे कॉमन एंगल नहीं लिया है। तो क्या है? एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू एंगल एफ क्यू पी। वेरी गुड, और उसका रीजन है करस्पॉन्डिंग एंगल। दैट मींस हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को सिमिलर है। कौन से टेस्ट से? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। करस्पॉन्डेंस देखिए बहुत इजी है, एफ ई डी अगर हम लिख रहे हैं बड़े ट्राइंगल का, यहाँ पे एफ डी लिखा है, तो अगर एफ डी लिखा है तो दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या होगा? एफ पी क्यू लिखा होगा। तो अब हमने, बिकॉज हमने चेक किया क्या ये ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, हो सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, एक बड़े ट्राइंगल में जब हमारे पास एक लाइन पैरेलल टू एक साइड होता है तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, हम यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं, या तो हम ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, और वो दोनों ट्राइंगल्स हमेशा ए ए टेस्ट से सिमिलर होता है। वेरी गुड, ये याद रखें, पॉसिबल है हमेशा। तो हमें डिसाइड ये करना होता है कि उस समय हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के लिए जाए या एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए जाए। अब समझ में आया क्यों यहाँ पे हम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए जाएंगे, उस थ्योरम के लिए जाएंगे? क्यों? बिकॉज हम यहाँ पे ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर पा रहे हैं। तो जब यहाँ पे प्रूव कर पा रहे हैं, प्रूफ तो हमेशा कर सकते हैं, बट सम में ट्राइंगल के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब सम में ट्राइंगल के एरिया के बारे में बात कर रहे हैं और अगर हम वो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं, दैट मींस हम यहाँ पे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज करेंगे, ये याद रखें। तो बोलोगे हाँ, ट्राइंगल तो सिमिलर हो गया, वेरी गुड। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो अभी क्या होना चाहिए? एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और देखिए वही यूज किया है। वेरी गुड, तो क्या दिया? देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ टी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू लिखा हुआ है। एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, कोई भी साइड नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड। तो हम नाम से ही देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बिकॉज हमें इंफॉर्मेशन डी एफ और पी एफ के बारे में है, सो डी एफ है तो डी एफ का करस्पॉन्डिंग साइड है पी एफ, तो हम लिखेंगे डी एफ स्क्वायर अपॉन पी एफ स्क्वायर। वेरी गुड, लिखा हुआ है। अब यहाँ पे तो रीजन नहीं लिखा है, बट अगर हम खुद सब सॉल्व करते तो हम लिखते हैं थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। लिख लिया, वेरी गुड, आप समझ में। अब ये समझिए, बिकॉज हम एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज कर रहे हैं तो हमें साइड्स का रिलेशन जानना जरूरी था, इसलिए हमें डीएफ और पीएफ के बारे में जानना जरूरी था, इसलिए हमने याद रखना वहां पे 3x फाइंड किया। समझ आ गया? वेरी गुड, तो अभी हमें पता है डीएफ की वैल्यू है 3x, तो हमने 3x होल स्क्वायर लिखा है, पीएफ की वैल्यू है 2x, तो वहां पे 2x होल स्क्वायर लिखा। वेरी गुड, तो हमें मिलता क्या है? डायरेक्टली उन्होंने तो दे दिया 9/4 कैसे है, बिकॉज 3 का स्क्वायर है 9x का स्क्वायर है, x स्क्वायर तो न्यूमरेटर में मिलता है 9x² और डिनोमिनेटर में मिलता है 4x², और x² और x² कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस हमें रेशियो मिलता है 9/4। वेरी गुड,
बट ये एक्टिविटी में हमें ये सब दिखाने की जरूरत बिकॉज ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखिए हमें मिला क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू इक्वल टू 9/4। बट हमें कौन सा ट्राइंगल चाहिए, हमें चाहिए ट्राइंगल FDE। तो हम अगर उसको वहां पे रखे और FPQ जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ को यहां पे शिफ्ट कर दे, सो क्या आएगा 9/4 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। सो 9/4 को ऐसे रखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ क्या है हमें पता है, वो दिया है कितना है 20। तो अब यहां पे आप बोलोगे कैंसिलेशन कर सकते हैं, 4 1s are 4 5s are, सो 9 × 5 क्या आएगा 45। तो यहां पे आएगा 45 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर लिखना भूलना मत, स्क्वायर यूनिट्स बिकॉज एरिया है। तो हमने बड़े ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया। अब आप बोलोगे हाँ यही तो हमने डिस्कस किया था, अगर हमें बड़े ट्राइंगल का एरिया मिलता है और इस छोटे ट्राइंगल का एरिया ऑलरेडी पता है तो क्या हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो हमने लिखा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE क्या है, एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल का एरिया माइनस छोटे ट्राइंगल का एरिया, ये लिखा हुआ है वहां पे। अभी सब शूट कर, यहाँ पे बड़े ट्राइंगल का एरिया क्या है 45, छोटे ट्राइंगल का एरिया क्या है 20, 45 माइनस 20 कितना है 25 एरिया है। तो क्या आएगा 25 स्क्वायर यूनिट्स और हमें सम मिल गया। अच्छा था, बहुत ही बढ़िया सम था। तो बट अगर ये सम हमें एक्टिविटी फॉर्म में ना आए और अगर एक नॉर्मल सम जैसा है तो भी आप समझ गए ना कैसे करना। तो यहाँ पे समझना जरूरी था, ये समझिए जो मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया कि ट्राइंगल में जब एक लाइन एक साइड को पैरेलल है आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, आप या तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या तो एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज कर सकते, मतलब दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते। अभी आपको सोचना यह है कि आपको यूज क्या करना है, वो डिपेंड करता है सम में। अब सम में यहाँ पे एरिया के बारे में बात की गई है ट्राइंगल के, तो मतलब जाहिर सी बात है कि हमें एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज करना है, बट वो यूज करने के लिए हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना जरूरी। तो हमने सिमिलर बताया, हमने थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज किया और समान है। तो ये क्यों करते हैं ये समझिए, सो दैट कोई भी सम ऐसा आए तो आपको ये सोच बहुत क्लियर हो जाए कि आप बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करोगे या एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यूज करोगे। तो आप समझ तो आ ही गया है, अच्छा भी लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब देखा होगा इस वीडियो में हमने एक सम किया, तो हर वीडियो में एक एक सम कर रहे हैं, बट अगर आप चाहते हो कि आपको पूरा प्रैक्टिस सेट एक साथ देखना है, प्रैक्टिस सेट 1.1 के लिए यहां क्लिक कीजिए, प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए यहां पे क्लिक कीजिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।